तो अब हम डिस्कस करते हैं एल्कीन्स। और एल्कीन को डिस्कस करने से पहले इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या कैसे बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं सारे के सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन और टू कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटलीस्ट टू कार्बन एटम आर लिंक्ड थ्रू अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड इज नॉन एज एल्कीन्स। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2+2। तो अगर हम एल्कीन में बॉन्ड रखते हैं तो ये कंपाउंड बनेगा नहीं। हमने एल्कीन में C2 रखा है, ठीक है, तो कंपाउंड बन के आया है C2H4। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इतनी बात समझ गई। इसका जब हम लीफ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा चौथा हाइड्रोजन, यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉन, यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के, और ये बन गया लीस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक कमी और वो ख़त्म कर देते हैं, तो ये हाइड्रोजन के हमने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे दिखा दो, ये भी एक मेथड है, कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये वाला कार्बन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, एक ही यहाँ से, ठीक है, तो ये बन जाएगा लीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्रोपीन, ये आपका क्या है, एथीन, ये क्या है, प्रोपीन, क्या है ये, प्रोपीन। प्रोपीन को बना लेते 1, 2, 3 डबल बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए एक, ठीक है, तो ये आपका प्रोपीन हो गया। प्रोपीन जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। इसके बाद बात करते हैं ब्यूटीन की, 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, चलिए। एक और बात, अब है पेंटीन, पेंटीन में 5 कार्बन होगा, 1, 2, 3, 5, ठीक है, तो ये हो गया पेंट वन इन, जैसे ऐसे ही लिख सकते पेंट पेंट वन इन, ठीक है, चलिए। बात करते हैं हेक्सीन की, चलो हेक्सीन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, लेकिन जब हम डबल बॉन्ड पहले कार्बन की बजाय कहीं और लगाएं तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन 1, 3, ठीक है। ये थे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स, आ गई बात समझ में, और करते हैं।